शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी जी का विशेष दिन होता है। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी के निमित्त किए गए पूजा और उपायों से माँ लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं। तो आज हम आपको माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का एक ऐसा चमत्कारी उपाय बताने जा रहे हैं, जिस उपाय को करने वाले व्यक्ति के घर में हमेशा माँ लक्ष्मी का स्थिर निवास रहता है। वैसे तो आप ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन शुक्रवार के दिन इस उपाय को करने से विशेष शुभ फल प्राप्त होते हैं। इस उपाय को शुक्रवार के दिन घर के ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में किया जाता है। सामान्यतः घर में ईशान कोण में ही पूजा घर होता है, तो यह उपाय आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। इस उपाय को अगर आप लाल रंग के कपड़े पहनकर करेंगे तो इसके और भी शुभ फल प्राप्त होंगे। यह उपाय आपको शाम के समय करना है। अगर आपने सुबह नहाकर स्नान कर लिया है तो शाम को आप मुँह हाथ धो लें। मुँह हाथ धोने के बाद अपने मंदिर में जाएं और वहां पर आसन बिछाकर बैठ जाएं और माँ लक्ष्मी जी की सच्चे मन से सच्चे भाव से उपासना करें। आपके मंदिर में माँ की कोई प्रतिमा या तस्वीर है तो माँ को कुमकुम से तिलक करें, अक्षत गंध फूल चढ़ाएं और माँ के सामने धूपबत्ती जलाएं। माँ के आगे एक देसी घी का दीपक जलाएं, जो आप रोज पूजा के समय रुई की बत्ती का दीपक जलाते हैं वह साधारण दीपक ना जलाकर आप कलावे की बत्ती का प्रयोग करें। और याद रखें कि दीपक की लौ सीधी होनी चाहिए और दीपक में थोड़ा सा केसर भी डाल दें। फिर माँ को किसी सफेद रंग के मीठे का भोग लगाएं, जैसे कि बर्फी आप उसका भी भोग लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो घर पर भी खीर बनाकर माँ लक्ष्मी को शुक्रवार के दिन भोग लगा सकते हैं। भोग लगाने के बाद आँख बंद करके आप जय माँ लक्ष्मी का जाप करें। कम से कम 11 बार आप इसका जाप करें और अगर आप चाहें तो इसकी एक माला भी जाप कर सकते हैं। इस उपाय को करते वक्त आप इस बात का ध्यान रखें कि उपाय आपको सच्चे मन से करना है। वैसे तो आप इस उपाय को रोजाना भी कर सकते हैं, लेकिन शुक्रवार के दिन इस उपाय को करना ना भूलें। इससे माँ लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं। याद रखें कि जब भी आप शुक्रवार के दिन यह उपाय करें तो उस दिन आप मीट अंडा प्याज लहसुन ना खाएं। शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी का दिन होता है। शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का बहुत ही खास दिन होता है। शुक्रवार के दिन ही माँ लक्ष्मी के लिए माँ लक्ष्मी के भक्त व्रत रखते हैं, माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं और शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए जो भी उपाय किए जाते हैं ये बेहद ही शुभ फल देते हैं। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का यह एक चमत्कारी उपाय है। हर शुक्रवार के दिन इस उपाय को करने वाले व्यक्ति के घर में माँ लक्ष्मी का स्थिर निवास होता है। इस उपाय को करने वाले व्यक्ति का माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है और इस उपाय को करने से दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में माँ लक्ष्मी का स्थिर निवास हो और आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन इस उपाय को अपने घर पर जरूर करें। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।